की पवित्र भूमि जिस पर विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी, कवि गुरु रविंद्रनाथ ठाकुर जी, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिनका जन्म हुआ, ये सभी को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं भैरवी मंदिर, काली मंदिर, आदि काली मंदिर, श्वेतांबर मंदिर, ये सभी दिव्य स्थानों को प्रणाम करकर मेरी बात की शुरुआत करना। जय श्री राम। स्वतंत्र सेनानियों को मैं प्रणाम करता हूँ। टाइगर नहीं बनना चाहिए था, जोर से बोलो, बनना चाहिए था, नहीं बनना चाहिए था। 500 साल से प्रभु श्री राम को टेंट में बिठा कर रखे। जय श्री राम। और मोदी ने राम मंदिर का केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया। और मैं आपको बताने आया हूं, मां, माटी और मानुष, तीन नारा देकर ममता दीदी आई थी। मां को तो फंदे सालिक में अपमानित किया, माटी को बांग्लादेशी घुसपैठियों के हवाले किया और मानुष को भ्रष्टाचार और हिंसा करकर समाप्त करने का काम किया। समाप्त करोगे, कमल के निशान पर बटन दबाओगे, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाओगे। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय इस ओर में उठाए भाई, सभी लोग विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो गाइस थोड़ा पर गाड़ी हेलीकॉप्टर था गाइस, भीड़ देखो गाइस, আমি গাইজ জীবনে হেলিকপ্টার দেখিনি গাইজ, ওটা দেখতে হচ্ছে গাইজ, তোমরা ইসে থাকো গাইজ, ব্লগে থাকো, দেখতে থাকো গাইজ, সরি, ক্যারি অন ক্যারি অন, দৌড়া দৌড়া দৌড়া। এখন তুমি বলতে চাও কাকা হোমিস্টার ব্যাপারে, বিজেপি তুমি দাদা কোন পার্টি করো, বিজেপি না টিএমসি, বিজেপি, বিজেপি জিন্দাবাদ, বিজেপি জিন্দাবাদ, জয় শ্রীরাম। মানে যেখান থেকে হেলিকপ্টারটা টেক অফ হয়, মানে যেখান থেকে ল্যান্ড করলো আর যেখান থেকে টেক অফ করলো, ওটা তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। একটা শুধু
একটা রাত লাগছে শুরু হয়েছে দেখো হেলিপ্যাড না হেলিকপ্টারের উপরে এখন এরা ল্যান্ড করে আছে সিকিউরিটি কত কিছু দেখতে পাচ্ছো গাইস এনার্জি এসপিজি এসপিজি রে স্পেশাল সিকিউরিটি গার্ড ভাষণ দিচ্ছিল বাইরে এমস কল্যাণী বা এমস দিল্লি দিয়ে তো তাদের অনেক সুবিধা হবে, বাড়িতে থেকে পড়াশোনা করতে পারবে, নর্থ বেঙ্গলে এমস তৈরি হবে, এটার জন্য আমি অনেক মানে ক্ষতি হচ্ছে। ওইখানে চল, ওইখানে জায়গায় জন্ম নিতে পেরেছি।